हेलो गाइस, मैं रुखसार सर, मोहम्मद वकास, मैं अहमदुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। चलते हैं कि वीडियो शुएब भाई की वीडियो है वर्ल्ड वांट ब्रामोस टेक्नोलॉजी, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन इस पर क्या बोलती है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, ठीक है। ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनके गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब कि हर जगह बड़ी बड़ी जो भी मतलब कि चीज़ें हैं इस तरह की, हर कंपनी में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। और उनकी टेक्नोलॉजी, उनके देखें, उनकी तरक्की का एक रीज़न यही है कि उनके मुल्क में इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है। बकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के, कि इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में? डिफेंस, जाहिर सी बात है, इंडिया से बताया जाता है, हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा, ठीक है। इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है, ठीक है। मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है? जब इंडिया की आई आई टीम जो है ना, आई आई टी जी बिल्कुल उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि आज जितने भी बड़ी कंपनी है ना, गूगल हो गया या इस तरह की और कंपनी, उनके जो CEO है वो सारे इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं कौन सी ऐसी कई कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के वो CEO नजर आ रहे हैं। क्या वो ऐसे ही जाके बैठ गए हैं? मतलब हर बंदा आसानी से ये बात कर देता है जी वो बड़ी बड़ी कंपनी, वो ऐसे ही जाके बैठ गए। उनकी जो हुकूमत है वो सपोर्ट कर रही है ना उनको? नहीं, अच्छा, यानी कि उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, उनकी हुकूमत ने सपोर्ट किया। अभी रिलेशन बेहतर करते हैं, ज्यादा फायदा किसको है? मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा पाकिस्तान की है, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनके जो इंस्टीट्यूट है वो माने जाते हैं दुनिया में, किसी ना किसी IIT है और बहुत से ऐसे बहुत अच्छे रैंक्स हैं उनके इंस्टीट्यूट के। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, उनकी लर्निंग मजीद बेहतर हो सकती है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट TV। खबर के मुताबिक मेड इन इंडिया मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अभी 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से ये मिसाइल खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, हमेशा डिफेंस में मुकाबला बताया जाता है पाकिस्तान की यूथ को, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में और कॉलेजेस में। लेकिन आज पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ से बात करेंगे कि अगर सच पे रहकर बात की जाए, क्या इस टाइम डिफेंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नजर आता है? इंडिया USA $6 बिलियन की डील करने जा रहा है, जबकि हम IMF से $6 बिलियन के लिए रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन देती है, जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम राफी रहमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, अभी स्टडी कम्प्लीट हुई। क्या पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं? मेरी स्पोर्ट्स साइंसेस थी, पंजाब यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक पे बाहर से बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, सादा सा सवाल है, कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ कब जाता है, प्रोग्रेस कब करता है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्री डेवलपमेंट तब करता है जब वो अपने ब्रांड को प्रमोट करता है। जिस तरह के हम दूसरे मुल्क से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमें ये चाहिए कि हमें अपने ब्रांड को, हम अपनी जो कंपनीज हैं उनको प्रमोट करें, उनको ऐसी सब्सिडीज़ दें ताकि वो अपने जो है ना जॉब्स क्रिएट करें, और उसके बाद ऐसा ब्रांड नए जिसमें लोगों के लिए उसमें सहूलत हो, ताकि प्राइस भी कम हो, ताकि लोग खरीद सकें। जबरदस्त। और वो जो और अपने अपने कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें प्रोडक्ट बिकेगी जब, जाहिर सी बात है, इकोनॉमी को। आपका मतलब है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से इंपोर्ट पे कम और एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करें? एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जब इम्पोर्ट करेंगे डॉलर जो है वो बाहर जाएंगे, एक्सपोर्ट से अंदर आएंगे, तो फिर वो डॉलर बहुत मैटर करते हैं। इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है, पहले तो ये बताएं क्या समझते हैं उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्रेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक कंट्री है ना, हमारा राइवल है। हम ज़्यादा सोचते हैं कि हमने उसके मुखालिफ जाके ना दूसरे कंट्रीज के साथ एक अलायंस बनाना है, हो सकता है वो कंट्री किसी की फेवर करे ना करे। तो इंडिया क्या करते हैं, इंडिया सबके साथ मिलके चलता है। मतलब ये है कि उनके सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं, उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ मतलब ऐसा सोचा हुआ है कि वो बड़े अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, अपने जो इनसाइड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मौका दे रहे हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको अगर देख लें, स्टूडेंट लोन्स हैं, बड़ी सी स्कीम्स हैं उनकी, मतलब एक वेलफेयर का काम जो है वो बड़ा। तो लैपटॉप स्कीम है या थी, मतलब लैपटॉप स्टूडेंट्स को दिए जाते थे,
मेरे ख्याल से ऐसा लैपटॉप के जरिए जो है ना एक वेलफेयर इतनी नहीं हो सकती स्टूडेंट की जितनी एक मतलब अगर उसको मौका दिया जाए उसको प्रॉपर बिजनेस के लिए जो है ना मतलब पैसा दिया जाए या हो सकता है उसको अगर किसी और कंट्री में जाके वो बिजनेस करना चाहता है कोई जॉब करना चाहता है स्टडी करना चाहता है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के हालात लैपटॉप का क्या करना जब इंटरनेट सर्विस नहीं पाकिस्तान में उस तरीके से होगी या बहुत महंगी होगी लाइट ही नहीं आती लाइट ही नहीं आती लैपटॉप चार्ज कैसे करेंगे। अच्छा खबर ये है कि इंडिया ने मेड इन इंडिया बड़ा मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेजी से बना भी रहा है और अब ऐसी कंट्रीज हैं 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें आईटी की बात करें बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आगे चला गया है मिसाइल दुनिया के दूसरे कंट्री खरीद रहे हैं क्या कहना चाहेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉपर लोन देता है ताकि वो दूसरे कंट्री में जाकर स्टडी करें। अब वो जब किसी अच्छे कंट्री में जाकर स्टडी करेंगे तो स्टडी जो है ना बड़े अच्छे लेवल की होगी उतनी ज़्यादा वो स्किल्स सीखेंगे दूसरे मुल्क से आके अपने कंट्री को सर्व करेंगे फिर ठीक है। इसी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने जो है ना उन्होंने जो है मतलब दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है ना मतलब यूट्यूब है गूगल देख लें उन सब पे जो है ना मतलब कि कहीं ना कहीं पे इंडियन जो है कोई ना कोई बैठा हुआ है ठीक है। और एक बड़ी बात ये है जी आप मिसाइल के बारे में कुछ कहना लगे मिसाइल के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इंडिया का रिसेंटली मैंने ये भी पढ़ा था कि वो मिसाइल उन्होंने बनाया तो वो जा रहे हैं आगे मतलब मार्स पे शायद कर रहे हैं वो मिशन हमारा चंद्रयान 3 वो उन्होंने लॉन्च करने वाले हैं वो हमारा मुल्क ये है कि हमारा मुल्क कर्जा IMF से मिलने में खुश हो रहा है लेकिन वो अपनी सेलिब्रेशन क्या कर रहे हैं वो अपनी जो है ना मतलब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं उनका अच्छा, जो फोकस ग्रोथ पे है नो डाउट उनका फोकस ग्रोथ पे है। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं लेकिन हमें एक विजन नहीं दिया जा रहा हम डिफेंस में अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बताया जाता है हमारा डिफेंस के हवाले से मुकाबला तो वो किससे बताया जाता है डिफेंस जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा ठीक है इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है ठीक है मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे नो डाउट होना भी चाहिए लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है हम आज भी मिसाइल कोई चाइना से या कोई अमेरिका से लेते हैं वो तो अब इम्पोर्ट करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इसका ये है कि अब हमारा आर्मी का बजट देख लें वो कितना ज़्यादा है मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को मतलब ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज देंगे एजुकेशन देंगे अच्छी एजुकेशन तो फिर हमारी जो है ना मतलब स्टूडेंट्स बाहर जाके हो सकता है पढ़ सकें या फिर अच्छी स्किल्स ले सकें वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकें कोई नई ईजादात कर सकें कोई ना कोई न्यू इनिशिएटिव ले सकें तो फिर पॉसिबल है कि पाकिस्तान भी इस रेस में जो है ना कहीं उसका मुकाबला कर सके या हो सकता है उसके आगे भाई से बात करते हुए एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि ये हर बात में कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके आ रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि हमेशा जब भी अगर आपने किसी कंट्री की डेवलपमेंट की तरफ जाना है सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना होगा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो हमारे इंजीनियर अच्छे होंगे डॉक्टर अच्छे होंगे साइंटिस्ट अच्छे होंगे। इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम कब बेहतर किया या जो भी कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है वो कैसे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करता है। इंडिया का भी एजुकेशन सिस्टम 1947 में आई थिंक वैसा ही था जैसे हमारा था। बिल्कुल उन्होंने क्या है कि उन्होंने रूट लेवल से हो सकता है डेवलप किया हो अब मुझे राइट स्ट्रेटजी नहीं उनकी पता कि उन्होंने कैसे डेवलप किया लेकिन मुझे इतना पता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉपर एक लोन देते हैं ताकि वो दूसरे कंट्रीज में जाके पढ़ें। अब क्या है कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके एक न्यू स्किल सीखेंगे ठीक है। अब एक टीचर है वो हमारे कंट्री में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उसकी एक सोच लिमिटेड होगी उसके एक्सपीरियंसेस लिमिटेड होंगे लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ के जो प्रोफेसर हैं उनके एक्सपीरियंसेस उनके प्रैक्टिकल वर्किंग जो है वो डिफरेंट लेवल की होगी जो उसके क्लास फेलोज होंगे उनसे जो लर्निंग होगी उसकी वो एक डिफरेंट लेवल की होगी क्योंकि सभी वहाँ पे एक पढ़ने लिखने वाले और टेक्निकल माइंडेड पीपल बैठे हुए हैं और वो अपना जो एक्सप्लोर करके आते हैं चीज़ें वो अपने कंट्री में लाते हैं अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। क्या बेहतर हो कि अगर हम इंडिया के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करें क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजें वो वहाँ से सीख के आएँ देख के आएँ कि वो कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में कैसे ग्रो कर रहे हैं वहाँ से टीचर्स को बुलाएँ यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आके वो पढ़ाएँ हमें। नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है एजुकेशन के लिहाज से हम विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे इसका यही है कि हम ग्रोथ देख रहे हैं ना अपनी ठीक है। अब हम वो राइवलरी जो अपने माइंड से है वो निकाल के हम आगे बढ़े ना उनके साथ एक ऐसा मतलब रिलेशन बनाए हम ताकि वो हमारे वो स्ट्रेटजिक जो है उसको
उसको भी अफेक्ट हो जाए, हमारे उनके साथ रिलेशन बेहतर हो, हाँ, ताकि हम मिल के चल सकें, आगे ग्रोथ कर सकें। बस तो हम ये चीज़ें अगर मैं समझ रहा हूँ, स्टूडेंट आप हैं, यूथ हैं, आप समझ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं समझते? और इसका इंडिया को फ़ायदा या पाकिस्तान को? मतलब अगर हम अभी रिलेशन बेहतर करते हैं, ज़्यादा फ़ायदा किसको है? मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान की है, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माने जाते हैं दुनिया में, किसी न किसी IIT है और बहुत से ऐसे हैं, बहुत अच्छे रैंक्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, उनकी लर्निंग मजीद बेहतर हो सकती है, ठीक है, वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा होगा, फायदा होगा, इंडिया को तो कोई फायदा नहीं। हाँ, ऐसा कोई इतना फायदा नहीं होगा। लास्ट में ये बता दें, वो कंट्री जिसे हमें बताया जाता है जी मुकाबला है हमारा, इंडिया के साथ मुकाबला है, हमारे में जज्बा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कंट्री बिलियंस ऑफ डॉलर की डील कर रहा है, कभी ड्रोन वो लेता है USA डील करता है, और कभी अपने मिसाइल वो सेल करने की बात करता है। हम यहाँ IMF से $3 बिलियन के लिए पता नहीं कितने तरले करते हैं, कोई मुकाबला बनता है अगर बिल्कुल अथेंटिक वे में सोचा जाए? नहीं, मुकाबला कोई भी नहीं बनता है। उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत मतलब अच्छी है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में फाइनेंस को मेरे ख्याल से अच्छी जगह से यूज़ किया ही नहीं जाता है। मतलब कर्जा लेते हैं, उस कर्जे के ऊपर जाहिर सी बात है हमने उसे उतारने के लिए फिर उतारने के लिए वो सूद भी तो वापस करना होता है। अगर $1 अरब हमें कर्जा मिला है तो उसका जो सूद अगर आप देखेंगे तो उसका $2 अरब हमें वापस करना पड़ेगा, $1 अरब हमें फिर भी सूद देना पड़ रहा है। मतलब क्या है कि हम हर सूरत में खसारे में ही हैं। अब हमारी जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी बाहर बैठी हुई है, ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर वही पैसे देने चाहें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का कर्जा तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो सर ट्रस्ट नहीं ना हो पा रहा, आप किस पे ट्रस्ट करके पैसे भेजे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पे, हमारे अदारों पे, या किस पे ट्रस्ट किया जाए और वो फॉरन जो बाहर बैठे हैं वो पैसे भेजे वहाँ से? बस ऐसा ही है, उनको ये ट्रस्ट नहीं है कि हम पैसा भेजेंगे अच्छी जगह से, पैसा यूज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बस कुछ ऐसे लोग होने चाहिए अच्छे जो फाइनेंस को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकें, किसी अच्छी जगह पे लगा सकें, किसी की वेलफेयर के लिए यूज कर सके उसको, ताकि पाकिस्तान डेवलप हो। अब देखें, पाकिस्तानी बहुत सारे बाहर बैठे हुए हैं और बहुत अमीर अमीर भी हैं, बहुत अल्लाह ताला ने बहुत रिज़क दिया उनको। वो जब पीछे देखते हैं अपने कंट्री को तो उनको भी दुख होता है कि यार हमारा कंट्री इतना नीचे क्यों जा रहा है, हमारे कंट्री को भी ग्रो करना चाहिए। हमारे कंट्री के पासपोर्ट वैल्यू क्या रह गई है? हम अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर कहीं जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है आपके सामने है? इवन कपड़े तक उतरवा के चेकिंग की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है एक इंसान की ना। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए, उन्होंने इस चीज़ पे जो है ना काफ़ी पॉइंट आउट किया इस चीज़ को, और पाकिस्तान की डे बाई डे जो है ना पाकिस्तान की रिस्पेक्ट काफ़ी इंक्रीज हो रही है किसी ना किसी सेंस में, ठीक है। लास्ट में ये बताएं कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ रोड पे खड़े होके, क्या ये चीज़ें हमारी मीडिया पे डिस्कस होनी चाहिए? क्या ये चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे लोगों को बतानी चाहिए कि भाई दुश्मनी से आगे बढ़ो, नफरतों को ख़त्म करो, रिलेशन बेहतर करो, और इसी में हमारा फ़ायदा है, ना सिर्फ इंडिया के साथ, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, रशिया हो, कोई भी कंट्री है, सबके साथ रिलेशन बेहतर करो। बिल्कुल, रिलेशन सबसे बेहतर करना चाहिए, और अनटिल अनलेस हम ग्रो नहीं करेंगे खुद तो हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। हम इतने जोगे ही नहीं है कि हम किसी को आंख दिखा सके, तो हमारी क्या दुश्मनी उसके साथ? अगर हम आंख दिखाएंगे भी तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई हमारा नुकसान करेगा, नुकसान हमारा होगा। ये हमारा पास में हमने देखा भी है कई दफ़ा, जो जंगें हुई हैं नुकसान किसका हुआ सब देखा। ये बताएं हमारी कहीं ये सोच तो नहीं ऐसे बन गई कि मतलब खुद ही हम डेवलपमेंट की तरफ जा नहीं पा रहे या जाना चाहते नहीं और दूसरों को भी टांगे खींचते हैं? मेरे ख्याल से ये रूट लेवल से जो है ना ये होना चाहिए हमारी। बिल्कुल आपने सही कहा कि सोच शायद इस तरह की हो गई है, क्योंकि वो हम चीज़ें देखते ही ऐसे आ रहे हैं ना। ये कहते हैं कई चीज़ें जो है ना आपको विरासत से मिलती हैं, तो हमारे जो बाप दादा जो करते हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद वही चीज़ ठीक है। हमें ये चीज़ को देखना चाहिए दोनों साइड्स को कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है। पढ़े लिखे इंसान में यही होता है कि वो फैसला कर सकता है एक चीज़ के अंदर ना, कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से जो नौजवान है उनको ये देखना चाहिए ओके वो किस तरह ग्रो कर सकते हैं, अपने स्किल्स को किस तरह बेटर कर सकते हैं। हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बजाय मुझे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी को और यूथ को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रब। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, जबरदस्त जी, जबरदस्त, बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते हुए। टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, खासतौर पे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करें, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद बनाए जा रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान है, या कहीं से हम इंपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी, यहाँ पे तो हम अपनी इतनी महंगाई है तो हम यहाँ पे अपनी बनाई हुई चीज़ें जो अपने मैन्युफैक्चर होती हैं पाकिस्तान में, ठीक है, वो ही नहीं खरीद सकते। अगर वो खरीदने जाएँ तो उनके
उनकी कीमतें तो कम है लेकिन टैक्स डाल डाल के इतनी हो जाती है कि एक आम इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई चीज़ बाहर से आएगी उस पर टैक्स ज़्यादा होगा या जो पाकिस्तान में बनेगी उसका टैक्स ज़्यादा होगा? जाहिर बात है जब IMF से आपने कर्ज़े वगैरह लेने हैं तो उनकी शरायत होती हैं कोई कि वो शरायत आपको बकायदे तौर पर मंजूर मतलब मानेंगे तो फिर ही आपको देंगे ना कर्ज़े वगैरह। आप महंगाई करेंगे आप पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा करेंगे अदरवाइज अगर आपको नहीं कबूल तो आपको कुछ नहीं देंगे वो। तो जब वो वही चीज़ें अगर आप टैक्स वगैरह हर चीज़ पर लगाएंगे तो जारी बात है फिर बाहर की चीज़ें जब आएंगी फिर उन चीज़ों पे डॉलर जब ज़्यादा होगा तो जारी बात है सारी चीज़ों की ऑटोमेटिक कीमतें इंक्रीज़ कर जाएंगी। कीमतें बढ़ने की बात एक और है लेकिन बात ये है डिफेंस के हवाले से हमें ये बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है डिफेंस के खासतौर पर हवाले से। वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए लेकिन वो जितनी तेज़ी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है मिसाइल खुद बना रहा है अभी उन्होंने बरामूस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज़ कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नज़र आ रहे हैं। क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नज़र आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनके गूगल में माइक्रोसॉफ्ट में मतलब कि हर जगह बड़ी बड़ी जो भी मतलब कि चीज़ें हैं है। इस तरह की हर कंपनी में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है और उनकी टेक्नोलॉजी उनके देखें उनकी तरक्की का एक रीज़न यही है कि उनके मुल्क में इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है। बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है? कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज तो यहाँ पे भी हैं। यूनिवर्सिटी हैं लेकिन उस तरह के अदारे नहीं है कि मतलब के वो एक बंदा अगर प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर सके। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अगर वो आज आपने बोला वो बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं कौन सी ऐसी कई कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के वो CEO नजर आ रहे हैं, क्या वो ऐसे ही जाके बैठ गए? मतलब हर बंदा आसानी से ये बात कर देता है जी वो बड़ी बड़ी कंपनी वो ऐसे ही जाके बैठ गए? उनकी जो हुकूमत है वो सपोर्ट कर रही है ना उनको? नहीं। अच्छा यानी कि उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं उनकी हुकूमत ने सपोर्ट किया? जारी बात है जब वो इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो जारी बात है उनको तलीम उस लेवल की मिल रही है। ठीक है उस लेवल की तलीम जब मिल रही है तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी उस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं ना वो भी मतलब विजिट करने जाते हैं जब तो वो अपनी ये चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसे ही है बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं अमेज़न वहाँ पे जा रहा है बहुत सी ऐसी चीजें वहाँ इन्वेस्टमेंट। इमरान खान यहाँ देखे एक अच्छा काम किया अमेज़न लेके आए हैं पाकिस्तान में वो खत्म हो गया वो इन्होंने आके खत्म कर दिया तो क्या फायदा फिर ऐसे तो मुल्क डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। आपने बोला कि वो डेवलपमेंट में खासतौर पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे जा चुके हैं मुकाबला नहीं है ये चीज़ क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक को ऑलमोस्ट पता चल चुकी है या अभी भी हमें यही अंधेरे में रखा गया है कि जज्बा और ये चीज़ें? बस यही बात है ना देखिए डिफेंस के आप बात करें 80% तो बजट हमारा जाती फौज को है ना। अच्छा ठीक है वैसे 80% नहीं जाता लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक फिगर बताते हैं ना आम लोग जो होते हैं चलो मेजोरिटी तो जाती है ना। अच्छा, उसकी तरफ आम इंसान के निस्बत ठीक है तो वो एक तरह से ठीक आम है वो आपके मुल्क को बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करते हैं उनका बनता है ठीक है। लेकिन अगर हम ये करें कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर लें आपने बोला कि अगर इंडिया के लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में गए हैं क्या फायदा वहाँ की एजुकेशन का क्या फायदा? देखें मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ मेरे पास अभी तक गवर्नमेंट को जॉब नहीं है कोई भी। ठीक है आप डॉक्टर कौन से कॉलेज से बने हैं? मैं लाहौर यूनिवर्सिटी से बना हूँ मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हूँ। अच्छा डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है और अभी तक आप डॉक्टर बन के जॉब नहीं मिल रही तो देखे मेरे बाहर जाने के चक्करों में तो नहीं है? नहीं बाहर जाने के चक्कर जब देखे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले इंसान को तो वो क्यों बाहर जाएगा मुझे बताएं। पिछले साल 7 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से बाहर एजुकेटेड लोग चले एजुकेटेड हुआ माइग्रेट करके और 15 लाख जो वो वेटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है और इंडिया की अगर बात करें क्योंकि टॉपिक हमारा वो है तो वहाँ जो उनके स्टूडेंट्स या जो उनके जो भी वहाँ पे बाहर के कंट्रीज में इम्प्लॉयज हैं इंडियंस हैं वो वहाँ से छोड़ के अपने कंट्री में वापस आ रहे हैं। ये बात है ना देखे ना वो उनके एक उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चाहे जो भी हैं बाकी वो मुल्क में वो चीज़ें ले रहे के जा रहे हैं कि नौजवान को ज़ाया नहीं कर वेस्ट नहीं करने दे रहे। ठीक हो गया ठीक है बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल है सीखने के लेकिन हर इंसान को शऊर होना चाहिए लेकिन हम अगर न्यूज़ चैनल देखेंगे अगर हम न्यूज़ चैनल देखें ना तो वहाँ पे यही है इमरान खान ने नवाज शरीफ को ये कर दिया नवाज शरीफ ने इमरान खान को ये बोल दिया। ठीक है वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं कोई ये बात नहीं करता कि कोई पढ़े लिखे कोई जलील हो रहे हैं कोई उनको कुछ इनकी कोई जॉब्स का कुछ करें कोई ये करें मैं कह यूथ बिल्कुल बेकार है। इंजीनियर देख लें डॉक्टर देख लें कोई भी शोभा ले लें जो भी एजुकेशन के बाद वो बेचारे जलील ही हो रहे हैं। मैं आपको बता दूँ मेरा एक दोस्त इंजीनियर था वो बेचारा
ये सड़कों को ठेके लेता था इलेक्ट्रिशियन के, ठीक हो गया इंजीनियर हो गए भी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा यानी जॉब्स नहीं उसे। हाँ, वो यही सोच रहा था मैं हार्डवेयर की दुकान खोलूंगा, मैं ये करूंगा, वो देखे ना शायद यही वजह ना कि बड़ी तादाद में यूथ है, नौजवान है, स्टूडेंट खास तौर पे वो पाकिस्तान से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं ना यहाँ पे, सारा कुछ अल्लाह की सारी दी हुई नेमतें इस मुल्क में है। ठीक है, हम तो ये भी कहते हैं टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आ रहा? टैलेंट आगे प्रमोट होगा तो आएगा ना, जब टैलेंट सारा चले ही बाहर जाएगा तो टैलेंट कहाँ इधर आ जाएगा? जो भी सारे इधर होते हैं कुछ अच्छे, वो सारे मतलब बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पैसा डबल होगा तो हमें अच्छा अर्न मिल जाएगा। आपको नहीं लगता अगर पाकिस्तान आज इस कंडीशन में है, हम डिफेंस के लिए भी किसी दूसरे कंट्री के मुहताज हैं, कभी चाइना से मिसाइल लेते हैं तो कभी हम अमेरिका से कोई चीज़ें लेते हैं, आपको नहीं लगता कि इस कंडीशन में हमें जान बूझ के रखा गया, सोची समझी साजिश, और वो किसी बाहर से, किसी अमेरिका, इसराइल, इंडिया, यहूदी, काफर, जो भी कहा जाता है उन्होंने नहीं बल्कि हमने खुद हमारे बड़ों ने किया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसी बात है, देखिए हमारा ट्रेंड यही चल गया ना कि दादा ने नोली को वोट दिया तो नीचे उसका पोता भी जो है ना वो नोली को देगा। ठीक है, जो अगर वो अपने हक से थोड़ा सा अपने राय से किसी और को पार्टी की तरफ जाएगा तो उसको कहा जाएगा नहीं आपके दादा तो उधर देते हैं, तुम क्यों जा रहे हो उधर? ठीक हो गया, मगर किसी को अपनी राय का इजहार करने का यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा, उस तरीके से नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे ख्याल से अब हम बोलना शुरू करेंगे तो ही शायद कुछ चेंज आएगा। ये बताएं अगर इंडिया वालों की आज ये कंडीशन है, अच्छे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है, दुनिया की पांचवी बड़ी इकानमी, रिलेशन बेहतर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें सिर्फ उनकी गवर्नमेंट का कमाल है या उनके लोगों का भी कमाल है? देखे ना उनकी यूथ वो आगे जा रही है ना, जब देखे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं उनको, सारा कुछ मौके मिल रहे हैं, जब वो मतलब एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं उनको फौरन तौर पर उनको जॉब वगैरह अच्छी मिलती है, तो उनको क्या जरूरत है किसी से भीख मांगने की, बाहर जाकर काम करने की, कहीं और काम करने की, वो तो खुश है ना, और वो अपने मेड इन इंडिया को बड़ा प्रमोट करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारा इधर ट्रेंड ये, हमारे जब हुक्मरान लोगों के सामने इस तरह जाएंगे तो नीचे आवाम कैसे ये इस तरह के ट्रेंड में आ सकेगी? वो भी तो ऐसे ही करेगी ना फिर, यानी हमारे हुक्मरान हाथ फैलाएंगे तो आवाम का भी माइंड सेट, सारी बात है फिर वो उनको, सारी बात है देखना तो ऊपर वाले उनको भी, वो अगर इमरान खान एक अच्छा आया था लीडर हमारे नौजवान के लिए, उसने अच्छे काम किए थे नौजवान नस्ल को, अगर पर मतलब मौके मिलने थे अभी, ठीक है, लेकिन उनको उस तरह से टाइम नहीं मिला अभी। हमें एड की बजाय ट्रेड की तरफ फोकस करने की जरूरत है या? हाँ जी बिल्कुल ट्रेड की जरूरत है, ऐसे ही है, तो हम क्यों नहीं कर रहे ये? अब मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया, नहीं तो ओपिनियन, पब्लिक की ओपिनियन भी तो होती है ना, डॉक्टर हैं आप और आपने बड़ी चीज़ों को देखा होगा। अच्छा कभी इंडिया से किसी भी आपके मतलब किसी से बात हुई हो, किसी इंडियन से सोशल मीडिया पे या किसी तरीके से, कि मतलब ताकि आइडिया हो कि वो किस तरीके से डेवलप, उनकी सोच कैसी है? नहीं मेरा ऐसा कोई नहीं रब्ता बाहर, तो फिर आपको ये खबर जैसे आती है आपको कैसे पता चलता है? पाकिस्तान में तो मोस्टली आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमेशा नेगेटिव खबर, कभी पाकिस्तान में ये बताया गया कि इंडिया ने ये मिसाइल लॉन्च कर दिया, बड़ा कामयाब हो गया ये उनका, क्या कहेंगे? वही ना, पाकिस्तान में तो ये नहीं बताया जाता कि इमरान खान का आपने नाम नहीं लेना उधर स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या दिखाया जाना है? वो हमारे ना नौजवानों की चिप जो है ना माइंड की, वो उन्होंने कारी इतनी दी हुई है, ठीक है, कि वो इससे ज्यादा सोच ही ना सके, और खास तौर पे इंडिया को लेके नफरत ही फैला दिया, मतलब देखे ना उनकी चिप इतनी कर दी है कि वो तरक्की की तरफ सोच ना सके। देखे जिस तरह की महंगाई है, एक इंसान अपनी फैमिली के अलावा क्या चीजें सोचनी है? ऐसे ही है, अगर इंसान के पास जराए हो वो डिफरेंट तरह के काम करे, पाकिस्तान को तरक्की के लिए आगे काम करे, वो चीजें बाहर जाके प्रमोट कराए, खुद ब खुद पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम भी फख्र से कहेंगे हम हैं पाकिस्तानी, और हमें ऐसी दिन का इंतज़ार है कि कभी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के अदारे हो, कोई इस तरीके से कारनामा करें, हम भी आएँ, खबर बनाएं, लोगों की ओपिनियन लें, और लोग बड़े फख्र से कहेंगे लो जी वाकई बड़ा अच्छा लगा पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट की तरफ काम किया। हमें लास्ट में ये बता दें कि इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, सच को सच कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ 100% करना चाहिए। देखिए हमारे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है वो हमारे अवाम तक ही है बस, ठीक है, इख्तलाफ वो होते हैं जो हुक्मरान भी आपस में रखे। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ, मुझे ये लगता है कि पब्लिक के आपस में कोई, आपको इंडिया से नफरत है या इंडियन से खास तौर पे नफरत है? किस बात से नफरत होगी हमें भाई? अगर वो हमारे साथ नहीं नफरत करते तो हम खुद ब खुद जान के नफरत लेके बैठ जाएं। इसका मतलब है पब्लिक टू पब्लिक नफरत नहीं है, ये ऊपर से नफरत फैलाई जाती है मीडिया के थ्रू। ऐसे ही ऐसी मीडिया मेन रोल इस चीज का अदा करता है। ठीक है, तो हमें कैसा करना चाहिए? नफरतें कम हो, रिलेशन बेहतर करें, ट्रेड करें, सीखें। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक हो गया, रिलेशन अच्छे होने चाहिए हमारे जो भी है ना। ठीक है जी, ज़बरदस्त, अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बात करके। आपको डॉक्टर साहब की बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जैनुल्लाह भाई। क्या करते हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, अच्छा स्टूडेंट हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें 1947 में इंडिया से अलहदा हुआ, इंडिया की बात करें उन्होंने भी 1947 में तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया, आज वो डेवलपमेंट के हवाले से टेक्नोलॉजी के हवाले से कहाँ नज़र आ रहे हैं और हम कहाँ पर नज़र आ रहे हैं? देखें, आप जब तक अपने आप को नहीं ना बदलते, ठीक है, तब तक आप किसी भी चीज़ को, जैसे अब लोग यहाँ खड़े हुए हैं ना, इनका कोई मकसद है, मतलब कि ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, लोग अपना टाइम फजूल किसी तरह वेस्ट कर रहे हैं, या ठीक है लोग मजदूरी अगर करते हैं ना तो उनका कोई अजर छोटा सा मिलता है, ठीक है ना है। अगर आप यही चीज़ आप माइंड मेंटली देखे जाए ना कि किसी पॉइंट के ऊपर आप रिसर्च करें या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जो आपको फ़ायदा दे, ठीक है ना, इसी तरह आप ग्रो अप करते हैं। लोगों का जो पाकिस्तान में देखा गया है ना, ये है कि वो ज़्यादातर लेबर और कोई खुद की कोई इन्वेंशन नहीं है, ठीक है ना, कॉपी जो बनी हुई है उन्हीं कोई कॉपी करके उसको चेंज करते रहना, कोई चीज़ उन्होंने अपनी प्रोडक्शन मतलब कि इस तरह की कोई नहीं बनी हुई, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है, मतलब क्या वजह है कि क्यों नहीं हमारी प्रोडक्ट खुद बन पाती? मिसाइल हो, टेक्नोलॉजी की कोई दूसरी चीज़ हो, या इवन सादा सादा गारमेंट्स की अगर बात करें, कभी गारमेंट्स फैसलाबाद की बात करें, बड़ा नाम था गारमेंट्स के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले भी है ना, नाम तो अभी भी है, लेकिन अभी इंडस्ट्री सारी बांग्लादेश जाती जा रही है। देखिए ना, ये तो खुद इन्होंने अपनी वो सारी जैसा भी अपना पॉलिटिक्स की है, चल रही है जो भी अभी भी जो चल रही है पॉलिटिक्स, ठीक है ना, अगर इसी तरह हालात रहेंगे तो फिर कोई भी नहीं कंट्री इस तरक्की करेगा, ठीक है, कोई कंट्री नहीं जहाँ पे हालात ऐसे होंगे वो नहीं तरक्की करेगा, बाकी तो करेंगे, बाकी तो करेंगे। इंडिया अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा होगा आपके ख्याल से? पहले ये बताएं, आपके ख्याल में जा भी रहा है, तरक्की कर भी रहा है, ये ड्रामा क्या? अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त से यही बात हो रही थी कि जब इंडिया की आईआई टीम जो है ना, आईआईटी जो टीम आईआईटी जी बिल्कुल यूनिवर्सिटी, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि आज जितने भी बड़ी कंपनी है ना, गूगल हो गया या इस तरह की और कंपनी, उनके जो CEO है वो सारे इंडियन है। अच्छा, ये लाइन मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी को रट चुकी है कि जितने भी CEO हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के वो इंडियंस हैं, जिससे भी बात करता हूँ यही, वो वजह क्या है, कैसे बन गए? देखिए ना, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ठीक है, उन्होंने एजुकेशन के हवाले से काम किया तो वो इस स्टेज पे पहुंचे हैं। और गुजरांवाला में अगर हम इंटरव्यू अगर कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो गुजरांवाला में रहते हुए एक यूनिवर्सिटी सिर्फ पाई जाती है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, जो कि अपने आप को इंटरनेशनल रिलेशन में लेके आ रही है, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने दूसरे उनके जो कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, ठीक है ना, अभी ISET आई है यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इसी तरह और यूनिवर्सिटी, अगर हम एजुकेशन अपनी अच्छी करेंगे ना, ज़बरदस्त, ठीक है ना, एजुकेशन डेवलपमेंट भी करेंगे, इसमें आप लोग रिसर्च करेंगे इसमें, ठीक है ना, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, हमें इन चीज़ों की तरफ लेके क्यों नहीं जाया जा रहा, हमें एजुकेशन के हवाले से क्यों नहीं बताया जा रहा, डेवलपमेंट के हवाले से दुनिया जहाँ जा चुकी है या जा रही है, हमें इन चीज़ों का कोई नहीं नॉलेज? हमें पॉलिटिक्स नहीं बस घेरा हुआ है, लोग एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं, ठीक है ना, और इनमें कोई वो नहीं रहा है शौर, ठीक है ना। देखिए, अगर वो अलग जो है ना, दूसरे का एक जो बयान है, उन्होंने कहा जी उस वक्त तक हालात नहीं बदलते जब तक कौम खुद ना चाहे, ठीक है ना, कुछ इस तरह है, कोई गलती कोताही हो गई, माफ, हाँ बिल्कुल ना, ये इस्लाम जिस तरह की आम वैसे हुक्मरान हो गए, आप बात करेंगे जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हमें हमेशा ये बताया गया हमारा इंडिया से मुकाबला बताया गया? जी बताया गया। तो फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं मुकाबला बताया गया? हमें IT में क्यों नहीं मुकाबला बताया गया? हमें एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं बताया गया कि मुकाबला करना है? एक वीडियो में आलोक साहब के कब यही टाइटल था कि जो पाकिस्तानी आवाम है वो उनके मुताबिक कुछ थोड़ा सा समझ रही है। आज के जिन भाइयों से अपना शुएब भाई ने इंटरव्यू लिया ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी पर या पाकिस्तान के इंडिया के कंपैरिजन में लिया, तो सब ने यह चीज़ एक्सेप्ट की है कि इंडिया हमसे आगे है, ये चीज़ अच्छी है भाई। आप आगे तब बढ़ेंगे जब आप अपनी गलतियों को पहले एक बात है देखेंगे, फिर उनको एक्सेप्ट करेंगे,
फिर पहली बात तो उनको जांचेंगे कि आप गलत कहाँ हैं, फिर आप उनको देखेंगे कि आपकी गलती कितनी है, किस शिद्दत की है, फिर आप आगे उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर आपका अगला स्टेप होगा आगे बढ़ने का कि अब भी ये गलती मैंने नहीं करनी। और पश्चिमी अवाम की मुझे ये चीज़ें देख के बहुत अब थोड़ी बहुत खुशी होती, चंद एक लोग इसमें अभी भी नेगेटिव हैं, बदलाव है, लेकिन इस चीज़ की खुशी हो रही है कि पाकिस्तानी अवाम में बदलाव काफ़ी है, पाकिस्तानी अवाम अब बेहतरी की तरफ जा रही है, जाना चाहती है, ये चीज़ें एक्सेप्ट कर रही है कि इंडिया हमसे आगे है और हमें भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। और अब बात करते हैं रीजन भी बताते हैं वो इन वजूहात पे हमसे आगे हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा बातें ब्रह्मोस पर, ब्रह्मोस इंडिया की, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया था पहले, जो पहला था शुरुआत में रशियन टेक्नोलॉजी भी थी, इंडियन भी थी तमाम, अब इंडिया के घर में बन रहा है। और जब जिस दिन से पाकिस्तान में उसने कदम जमाए ब्रह्मोस ने, या कि जब पाकिस्तान में आया था तो पाकिस्तान की फिजाओं में डांस करता रहा, पाकिस्तान की जो नंबर वन आर्मी है दुनिया की उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया उसके सिस्टम, और पूरे सिस्टम को चुनौती देकर पूरे उसको चैलेंज करके फिर उन्होंने सेफ एरिया पर लैंडिंग की। उस वक़्त से जब दुनिया ने यह देखा कि पाकिस्तान जो अपने आप को नंबर वन कहता है वो नहीं, इसको डिटेक्ट नहीं कर सका, अगर डिटेक्ट कर सका तो इसको कंट्रोल नहीं कर सका, गिरा नहीं सका, तो इसका मतलब है तो इसकी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और भी इसके बहुत सारे टेस्ट कामयाब हुए और इंडिया अब ये बड़ी तादाद में बनाकर 6 कंट्रीज को बेचने जा रहा है। डिटेक्ट जो है ना, इनकी जो टेक्नोलॉजी थी उसको भी नहीं कर पाए, जो इनके जहाज आए थे रात को आते थे, जब पाकिस्तानी वाम सोई थी तब आते थे, तो हम उसको भी फॉलो नहीं कर सके कि हमारे जो है कंट्री में आ गए हैं। जो अभिनंदन काम ने जहाज गिराया था या उसके अलावा जो उनका जो सिस्टम है उसको हैक कर दिया था, किस तरह कुछ भी नहीं कर सकते बिल्कुल। किस तरह हैक किया, कौन सा सिस्टम हैक किया था? जो उनका जो अपना सिस्टम था ना, उनका जहाज का फाइटर जेट का, उसको हैक कर दिया, इस वजह से वो कुछ कर नहीं सका। कौन कौन कुछ नहीं कर सका? जो उनके जो आए थे वो कहते हैं हमने अपना जो मिशन है जो अपना वो कामयाब भाई। आपने बात की कबलियत के, ठीक है ना, वो इधर क्या नाम आप बोल रहे थे, ब्रह्मोस यानी कि आया इतनी देर पाकिस्तान के हदूद में नंबर वन पे, तो ये चीज मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है ना। पाकिस्तान की मैं कहता हूँ इस तरह की टेक्नोलॉजी, यार मेरी बात सुनो, आप आराम से बैठे, मैं दरवाजे से होकर उधर वापस चला जाऊंगा, तो आप बोलेंगे यार आपको पता ही नहीं चला, यार ये बात नहीं होती है, ये छोटी छोटी आदमी नहीं है मेरे, मैं एक आपको मिसाल दी नहीं इस तरह, यानी कि जिस तरह ये अभिनंदन का वाक्य इससे पहले वो आए थे होके चले गए थे, यार ये इतनी को यार उन्हें मिसाल छोड़ा इंडिया से, पाकिस्तानी आर्मी मैं कहता हूँ इतना प्रोफेशनल है, यार इंडिया वाले नहीं तो चर नहीं दौड़े, मोदी आप कहता नहीं था आपको, आपने सुना नहीं था हमने जम्मू कश्मीर भी लेने, इस तरह तो हमारे ऊपर चढ़े दौड़े, बिल्कुल इस तरह के भाई कभी भी नहीं हो सकता, उनको भी पता है उनके पास तोड़ है, ठीक है ना, पाकिस्तानी आपने एक दफा और इंटेलिजेंट और आर्मी के इधर जो भी ये काम करते हैं उनके पास ये मैं मानता हूँ काबिलियत है, वो इन चीजों को रोक तो सकते फिर रोक नहीं सके, पता ही नहीं चला अभिनंदन का जहाज कैसे गिरा, वो जहाज की छोड़े नहीं, क्यों छोड़े, छोड़े क्यों, वो उस पर भी आता हूँ, आपको जिंदा मिसाल दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं छोड़े यार, अच्छा पहली बात ब्रह्मोस पर मैं बात कर रहा था, वो भी बात हम लोगों ने तो देखा नहीं, आप इस तरह बोल दिया, हम लोग मान रहे यार ब्रह्मोस देखे नहीं यार, इन तो मैंने नहीं सुना ना देखा यार, मैं गिरा था, ये बात हकीकत है, आया था बाकी गिरा था। अच्छा जो वो कहते हैं हमसे जो है ना उनका कंट्रोल भी मिस फायर हुआ था, ये आपको पता, अच्छा मेरी बात सुने रहमतुल्ला, वो आप कहते हैं वो इतनी देर पाके, मेरी बात सुनो, इस तरह हिट करना होता तो कर सकते थे, ठीक है ना, पाकिस्तानी इनका मतलब है जिम्मेदार, यानी के जो भी आर्मी है या जो भी इदारे लगा रहे जिम्मेदार, इस तरह मिस अंडरस्टैंडिंग जिस तरह उन लोगों ने की इस तरह हम लोगों ने नहीं की, अच्छा। हम भी इधर तो छोड़ देते तो उनका क्या बनता, सही है। अच्छा रमजान तुम क्या कहना चाह रहे थे, तुम अफगानिस्तान की कोई बात करना चाह रहे थे, आपने खुद एक दफा कहा तो आपको पता है कि जब देखें कि अफगानिस्तान पर हमला किया हुआ था, जब यहाँ पर दूसरा अमेरिका काबिज था, तो उसने एक मिसाइल जो है ना वो फेंकने की कोशिश की,
पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पर है। अच्छा। तो पाकिस्तान के उसको कंट्रोल कर लिया और वो जो मिस हो गई थी पाकिस्तान में गिर गई और मिस हो गई। तो ये पाकिस्तान के पास भी सलाहियत है। तो एक हमारे पता नहीं कौन वजीर था उस वक्त या कोई था, उसने जो है ना वो ना रह सका और उसने कह दिया कि हमारे पास ये भी सलाहियत है। क्या हमारे पास बहुत ही सलाहियत है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। यही मिसाल है और क्या मिसाल है कि अमेरिका जो जिसकी जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मानी जाती है कि नंबर वन पर है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उसकी मिसाइल को हमने कंट्रोल में कर लिया था। और इंडिया की क्या थी, कुछ भी नहीं चीज के, लेकिन ये मैं आपको आपको पता है कोई भी एक मुल्क है लेकिन जो आर्मी है ना उसके पास डिफेंस का पूरा सिस्टम होता है, वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो इंडिया हमें जो रोज ये हमारे उनकी आवाम भी कहती है और खुद भी वो कहते हैं कि हम कश्मीर, मुझे ये बता इंडिया ने आज तक एक दिन में ले सकते इतनी टेक्नोलॉजी है, और सब्र है मुझे इतना बता इंडिया की हिस्ट्री के बारे में तुम कितना जानते हो? मैं अपनी यार ये इतनी हिस्ट्री जानते जब के पैदा हुए हैं, ठीक है, जब ने हम लोगों ने होश संभाला। इंडिया ने कितनी मरतबा कितनी कंट्रीज पर अटैक किया है? इंडिया ने भाई देखे कि इंडिया के जो है ना चाइना पर भी किया उसने, और चाइना पर पाकिस्तान के साथ खैर उसकी नहीं बनती, दूसरे मालिक तो खैर उसकी जो है ना नहीं बकाया मेरे के साथ किसी के साथ किसी के साथ नहीं, बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान। मगर तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया 1965 में किया था, 1948 में भी किया था, 71 में तो खैर पाकिस्तान ने नहीं किया था, वो तो देखें वो तो बांग्लादेश में गए थे ना, तो ऊपर से बांग्लादेश ने उनसे मदद मांगी थी। अच्छा तो आप इस चीज को मानते हैं कि इंडिया ने अटैक किए हैं सारे? किया है, पक्की बात है। बोले आप वीडियो दिखा दो। कौन सी वीडियो दिखा? तुम्हारे जनरल्स की। यार क्या जनरल मोहम्मद जनरल मुशर्रफ की आपकी बातों को सुनाऊं, वो इंडिया के जो न्यूज चैनल उनके सामने बैठ के उनके बोलती क्या बोलता है, क्या बोलता क्या बोलता है वो क्वेश्चन क्या था उसमें क्या बोलती है? मेरी बात सुनो, बोलती हुई इसलिए बंद करता है। ये जो सियासतदान है ना मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ की हुकूमत थी ये अमेरिका के साथ, मेरे बात सुनो, ये मिल के इन लोगों इसने ऑर्डर दिया था अभी वापस आ जाओ, ठीक है? वो तो कहता मैंने दिल्ली तक चले जाना था। यार जनरल जो इनका जनरल बख्शी है उसने कहा था कि जब जो कारगिल की वॉर थी ना उस वक्त कारगिल की बात कर रहा तो वो कह रहे थे कि अच्छा अच्छा नहीं मेरी बात उसने कहा था कि अगर ये कश्मीर पर काबज हो जाएगा तो इनका जो आगे निशाना था वो दिल्ली तक था। अगर किसने ये कहा? ये जनरल बख्शी ने कहा, और उसकी वीडियो व्हाट्सएप करनी है उनको। चलो ठीक है भाई मैं कर दूंगा, मैं तमाम वीडियो करूंगा, एक नहीं मैं सब वीडियो। चले आप करेंगे, आप इंडियन भाई जी इसके ऊपर आपको रिस्पांस करेंगे, और इसका रिस्पांस क्या उन लोगों ने माननी ही नहीं, आप मान रहे हैं, आप मान रहे हैं, ये हकीकत है। मैं कहता हूँ ये बिल, आप तो ये बात नहीं मान रहे कि आपके जनरल बाजवा ने कहा कि इंडिया, यार जनरल मुशर्रफ की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल बाजवा पे क्यों आ गया? तेल लेने मुशर्रफ, क्या मुशर्रफ ने किया है? क्या मुशर्रफ जाके इंडिया की, मैं कहता हूँ उनकी उसको आंखों में जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है यार? जो भी वो चित्र खाए कारगिल में, कारगिल में मेरी बात सुनिए, ये तो हमारे सियासतदानों के निकम्मेपन था ना, जो चित्र खाए कि नहीं खाए, नहीं जिस तरह भी खाए यार, हम क्यों खाए? आप क्या करते हैं? अच्छा चलो दूर की बात छोड़ो, अभी रिसेंटली 2-3 months पहले 4 months पहले चले जाए, आपके आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा वो बात कर रहा है। मैं तुम्हें देखो कोई चीज मारनी तुम्हारे सर में, तुम्हारे आर्मी नहीं चीफ नहीं थे, उसने कहा है कि तुम्हारे टैंक्स में इतना ऑयल नहीं है, डीजल नहीं है, और तुम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते, अब किस तरह डिफेंड करोगे? बाकी छोड़ दे मेरी बात सुनो, तेरी सुनो, तुम्हारी बात सुनो, अगर आर्मी चीफ इस तरह कह दे, एक बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है हमारे टैंकों के अंदर तेल नहीं था, मान लेंगे, आपको पता है ऐसी बात तो कर सकता है बिचारे, यार मैंने ऐसी बात कर, ओ खुदा की पनाह, ऑन ईयर ऑन दी कैमरा इन कैमरा, और मौजूदा आपका आर्मी चीफ इतनी गैर जिम्मेदार बात कैसे कर सकता है? जैसे हमारे शहबाज शरीफ कह सकते, वो शहबाज शरीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो पिद्दू भी नहीं है आर्मी चीफ के सामने, पाकिस्तान के आर्मी साहब पिद्दू जो होते हैं वो भी नहीं, इतना बड़ा होता मानते इस तुम्हारा वो आका मौला होता है आर्मी चीफ पाकिस्तान का? नहीं वो आका मौला तो हमारा ऊपर वाला ही है, वो तुम्हें लगता है तो नहीं मानते हर चीज वो कंट्रोल करता है, आपका आर्मी चीफ आज कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन इलेक्शन दे रहा, सब पता आपको। चलो अल्लाह हजार दे, दुआई कर सकते हैं ना, ठीक है? तो जब वो चीजें ये कहे इसका मतलब है कि वो बड़ी ऑथेंटिक बात कह रहे हैं,
अगर वो बातें क्या है तो इसका मतलब है बड़ी अथेंटिक बात कहीं कि कहीं कि ब्रह्मोस की डील थी, तो बात यह थी कि भाई वो टेक्नोलॉजी में हमारी लोग ये मान रहे हैं, हम भी ये मानते हैं इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे, मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल भाई इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में आगे है कि नहीं है? जो डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, वो हमसे आगे नहीं है, वो मैं आपको रीजन बताता हूँ मेरी बात सुन। आप जो है आपको पता है त्यारे वो क्या फ्रेल के क्या नाम था राफेल, उन लोगों ने खरीदा जी, हम जो है ना आप खरीदे, मेरी बात सुनो, आप टेक्नोलॉजी करते हैं ये बात भी बहाने उन लोगों को चलाने नहीं आते हैं, बनाने भी नहीं आते, बनाने मैंने नहीं बनाने, चलो बना एक हम चीज ले लेते हैं उनको तकरीबन यूज करनी तो आती जेल भी कोई यार है। आप तो मेरी बात सुनो, फिर आप जानते ही नहीं, ये हकीकत बात है मेरी बात, इतना जेल भी कोई हो सकता ये मेरी भाई बात सुनो, ये हकीकत बात है, उनको इस्तेमाल करने नहीं आते, राफेल चलाने नहीं आते यार, क्यों नहीं मानते हैं आप यार? यार ये जेन्युइन बात है, ये पाकिस्तान की न्यूज किसी की नहीं बात करूंगा मैं, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तुम कह दो कि मैं जाऊं अगर इंडिया के पायलट को राफेल चलाने आते हो, ये क्या बात कर रहे यार, झूठ क्यों बोलते हो यार? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने देखी और सुनी मैं वो बात कर रहा हूँ, अरबों के वो उनकी डील है वो उनके वही तो उनका मजाक बना था भाई भी, आप जब वो यूज ही नहीं करने आते मेरे अल्लाह, ये छत क्यों नहीं गिर पड़ी? बाकी ये दवाइयों वाली भी बात थी कि उनकी जो दवाई थी वो भी खराब, आप जो आलोक सर के आपने वो भी कमेंट सुना, हमारी जो है ना प्रोडक्ट इतनी इतनी जाते, मेरी बात ना हमने तो वो पिछले दिनों आपने सुनते पता नहीं आपके साथ अटैच न्यूज के साथ बस यूट्यूब पे देखते, मेरी बात सुन ले भाई, पिछले दिन इंडिया किसी कंपनी थी किसी को यानी कि बैरून मुल्क इन लोगों ने यानी कि ना सिरप वगैरह जिस तरह होते हैं इस तरह दिए थे, उधर ये काफी डेथ हो गई थी बच्चों के वो पिलाने के लिए, वो इनके ऊपर बड़ा एक्शन हुआ हुआ है, ये लोग वो भी नहीं मानेंगे आप झूठ बोल रहे, ये भी हकीकत है भाई, मैं वीडियो भेज दूंगा, बिल्कुल ये हकीकत बात है यार, राफेल इंडियन पायलट्स को भी चलाने आते यार, ये हकीकत है, जब नए नए आए थे अब चलाने आ गए तो मुझे इस चीज का नहीं पता, लेकिन जब इन लोगों ने खरीदे थे तब उनके बारे में इतना तब चलेगा ना जब इंडियन हमें वीडियो इसके बारे में भेजेंगे, तो उम्मीद करते आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो चैनल चैनल सब्सक्राइब हमारे मेरे भाई, हमने जब का वो संभाला है पाकिस्तान हमारे लिहाज से डिफेंस के लिहाज से ऊपर है, वो इस तरह हमको जंगों की यार पता नहीं, हम वो आप कहते हैं तो फिर डिफेंस कैसे होगा जब जंगे आप बाहर हैं, मेरी बात तो डिफेंस कैसे जो हमारे मौजूदा वक्त में हो मैं वो बात करूंगा, अभिनंदन वाला वाकया ला लें ठीक है ना, वो हमारी आंखों के सामने बिल्कुल हुआ है ठीक है ना, ऐसा कोई भी नहीं होता, आप तो ऐसा क्यों नहीं, वो अब लोग मानते हैं ठीक है, हवाई बातें कर रहे हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लीजिए इजाजत, अल्लाह।